वो यार चाचा कोई अपने टाइम की खपत तो सुनाओ हमारा। ओ अरा नहीं अरा सुनाओ हमारा प्लीज यार। नहीं नहीं सुनाओ ना। अच्छा अच्छा ठीक है चल सुन तू। बड़ी पुरानी बात है, उस टाइम अपना ये देश आजाद भी नहीं हुआ था और एक क्या नाम अपना इंडिया भी नया नया जीता था अपना है। भलाई क्रिकेट तो इंडिया तब जीता था जब आजाद हो गया था। जमा था उस टाइम फिर हो गया पता है ज़्यादा कुछ कुछ करेगा सुनाना मैं इन तक। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ तो उस टाइम की बात है, बड़ी पुरानी बात। उस टाइम था मैं कोई 19-20 साल का चोकू मोटा ही बंग का। मेरी तो उस टाइम शरीर देखता ना इतना तकड़ा शरीर, तेल दस से तो दो चक देता था मैं ऐसी वो काछी उठी लाइस वही चक देता था ऐसे ही। नहीं यार इतनी पावर ना ए मारे वे गप्पी मारे अब तो बल्ला मेरा खान पान भी वैसे होता। तुम्हारी तरफ ये चटर पटर खाया क्या है रही है। मैं वही दूध तो क्या घ्यू भी है पेरुआ ही करता था मुँह गड़गड़ रोटी रोटी अपनी बाजरे की रोटी ऐसे खानी मैंने शर्ट पर 9-10 रोटी से पहले तो मैं उठता ही नहीं था साहब ही नहीं देता था। नहीं यार इतने खा उतरे थे आप और बला ये अंग्रेज नहीं है जो अपने बड़ा अपने तो नहीं है पर ये भी मेरी मिसाल देते बला अपने सैनिकों को बोलो बॉडी हो तो चाचे जैसी हो ना वही ना बोलो तेरी बला इतनी खतरनाक बॉडी थी आपकी। अरे तेरे को क्या बताऊँ मेरी कैसी बॉडी होती थी उस टाइम। कैमरे नहीं होते उस टाइम नहीं तेरे फोटो रखनी थी मैंने खींच के मारी भी आपने कब कैमरे थे उस टाइम आप कौन से बाद में जमाने में रहते मतलब मेरे पास नहीं होता था ना कैमरा समझा कर। अच्छा अच्छा तू ये छोटा और सुन तू आगे। उस टाइम था मोटा ही माहौल देश में ठीक था जंग का माहौल भाई। इस बार तो अंग्रेज हमने चक देने बस चक देने हिंदुस्तान ने कट देने तो उसके लिए बुलाया मेरे को तेरे चाचे को बुलाया अंग्रेजों ने। नहीं यार आपको बुलाया अंग्रेजों ने तो आपको अंग्रेजी तो आती नहीं। हाँ तेरा चाचा बड़ा खेड़ी था अंग्रेजी की मैंने क्या करनी मैंने उनको ही पहाड़ी सिखा दी थी। अंग्रेज पहाड़ी बोलते थे ना 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 ये नहीं मानता मैं ये नहीं है बोल बुला। मैंने तो वो रखी थी शर्त रखी थी मैं कहा जे मेरे दर्जे में आएंगे तो पहाड़ी बोलनी पड़ेगी नहीं तो चले ही जाना बस यहाँ से। अच्छा फिर होना क्या था बुला मैं भी क्या उनके वहाँ पे उनका होता नहीं वो बड़े बड़े ऑफिस होते थे उस टाइम उनके मैं गया मेरे को उठाया उन्होंने बढ़िया चाय पानी पूछा ठीक मैंने कर लिया पहले। नहीं यार तो आगे क्या हुआ अब क्या बोला वो अंग्रेज बोले बोलो चाचा जी मारे जाना तो नहीं था ना पर तारे कनारे लोग ना हम आखे मानने नहीं लग गए थे यार इतनी खेड़ी पाड़ी और मैंने बोला ना तेरा चाचा वाला खेड़ी था तो मैंने उनको बोला भाई सुन देख तुम रह गया बहुत मेहमानी होगी बहुत अब तुम्हारे को अपने घर तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि मेहमान हमेशा घर अपने दूसरे घर में तो रहता नहीं क्यों। बात तो सही है तो मैंने उसको बोला मला ईशा करना आऊँ तक के दिन में आधा आधे का रेट था उसने ठीक खींचा कहा पूरे उस टाइम उस साल तो आधा बिका ना भाई ये जो मैंने सोने वगैरह किया ना उसी आधे के पैसे खरीदा और बोला सुन तू तो मैंने उसको बोला मैं कहा मैं तेरे को दूंगा आधा क्या मांगता है आधा दूंगा पर तेरे को यहाँ से होना पड़ेगा टीटी तेरी आपने तो मोटा ही दाव खेला वाला मैं मोटी बोलता तू मेरे साथ के जितने भी थे ना लोग स्वतंत्र सैनी वगैरह हो सब शन भाई चाचे ने बोल क्या दिया ये। नहीं यार फिर क्या हुआ फिर क्या पहले तो अंग्रेज ने बना लिया थोड़ा मुंह मार जा सोचने लगा वो दो चार और अंग्रेजों को पूछा कहा करो लास्ट में बोला उसने मेरे को चाचा जी ठीक हो गए तब हमें तुसे माखे दे आधा दे ना ये कोई 20 किलो आधा दे हमें इतो टिटी हो जाए आराम आराम बड़े नंबरी आराम अपने तो अंग्रेज भी छड़े बड़ा खतरनाक बड़े डरते थे तेरे चाचे से वो बॉडी ऐसी भाई हर कुछ खतरनाक मैं ऐसे औ भी कर देता था उनके पेशाब हो जाता था वहाँ सूथने में ओ नहीं यार फिर क्या हुआ वो भी गए टिटी और मैंने क्या सबको बता दिया कि हो गया देश आराम शर्ट पटो भी है यहाँ पे देश आराम बस तेरे चाचे का बहुत बड़ा हाथ है बला उसमें हर कुछ वो मैंने ना बोला ना उनको मैं कहा मेरा नाम नहीं लेना बस तुमने अरे ये तो आपकी बुढ़ाई आ रहा इसमें क्या बुढ़ापन आ रहा चाचा है तेरा आ रहा लेना तो नहीं कहा तो अब चलो जाए भी करो शर्ट पट काम कूम करा वो यहाँ पे ठीक है चलो और आऊँ भी चलो अभी गप्पे ना मार दे रहे चल ठीक है ओके 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 ओके।